नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। मैं सर्वेश त्रिपाठी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एक और रैपिड फायर सीरीज में। इस रैपिड फायर सीरीज में आज का जो चैप्टर है वो चैप्टर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखेंगे सोशल मीडिया और कम्युनिकेशन को लेकर के। तो सोशल मीडिया और कम्युनिकेशन को लेकर के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको विद इन 10 मिनट हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा सोशल मीडिया का मुख्य उद्देश्य क्या है। सोशल मीडिया का जो मुख्य उद्देश्य है ना वो सामाजिक संबंधों को बढ़ावा देना और उनको साझा करना, यानी आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर टू, इनमें से कौन सा एक प्रसिद्ध सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। तो फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम आपको पता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लेकिन गूगल डॉक्स आपका गूगल डॉक्यूमेंट का काम करता है, इसको हटा देंगे। सोशल मीडिया में हैशटैग का क्या मतलब है। सोशल मीडिया में जो हैशटैग होता है ना वो क्या होता है, किसी खास चीज को वर्गीकृत करने और उसे खोजने में सहायता मिलती है। बेसिकली आपका जो चीज सर्च में होता है उसके लिए यह बताता है। क्वेश्चन नंबर फोर, सोशल मीडिया का सबसे बड़ा लाभ क्या है। ध्यान रखेंगे सोशल मीडिया का सबसे बड़ा जो लाभ है ना वो व्यापक दर्शकों तक आसानी से पहुंच है, ये आपका सोशल मीडिया का सबसे बड़ा लाभ है। सबसे बड़ा नकारात्मक पहलू तो बात करी जाए तो इसकी व्यक्तिगत जानकारी की गोपनीयता का जो खतरा होता है ना वो सबसे बड़ा इसका डिमेरिट है। निम्न में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म माना जाता है, कौन सा पहला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तो वो है आपका 6degree.com। 6degrees.com जो है ये सबसे पहला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म माना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगर 7 की बात करूं मैं तो क्वेश्चन नंबर 7, 6degree.com के आविष्कारक कौन थे, तो एंड्रू वाइनरिच। ध्यान रखेंगे 6degree.com जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कब लॉन्च किया गया था, तो 1997 में क्या हुआ था, 1997 में ये लॉन्च किया गया था। ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन आपसे पूछता है, और ध्यान रखेंगे सन 2000 तक, लगभग आपके 2000 तक ये क्या रहा था, ये हाईली एक्टिव में रहा था। चलिए बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा पहला आधुनिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म माना जाता है, तो आधुनिक प्लेटफॉर्म जो है सोशल मीडिया का वो फ्रेंडस्टर है। ध्यान रखेंगे अगर क्वेश्चन नंबर 10 की मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपका क्या होगा कि फ्रेंडस्टर जो है वो फ्रेंडस्टर की खोज कब की गई थी या लॉन्च कब किया गया था, आपका बी आंसर 2001 में। 11 नंबर के क्वेश्चन में कहेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा पहला व्यावसायिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म माना जाता है, व्यवसायिक यानी जिसमें बिजनेस की बात होती है, वो लिंक्डइन है। ध्यान रखेंगे लिंक्डइन की अगर मैं बात करूं, लिंक्डइन को कब लॉन्च किया गया था, तो 2003 में लॉन्च किया गया था। बात करते हैं 2006 तक निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था, तो ध्यान रखेंगे माई स्पेस जो है ना ये 2006 तक सबसे बड़ा सोशल मीडिया आपका क्या था, मीडिया प्लेटफॉर्म था। MySpace सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो कब लॉन्च किया गया था, तो ध्यान रखेंगे यहां पर आपका जवाब 2004 आना चाहिए, सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। सोशल मीडिया दिवस, अगर सोशल मीडिया दिवस की मैं बात करूं तो सोशल मीडिया दिवस आपके 30 जून को मनाया जाता है। सोशल वर्ल्ड पासवर्ड डे कब मनाया जाता है, तो अगर वर्ल्ड पासवर्ड डे की बात करूं मैं तो वर्ल्ड पासवर्ड डे आपका 6 मार्च को, और अगर बात करी जाए वर्ल्ड अनफ्रेंड डे के बारे में तो वर्ल्ड अनफ्रेंड डे आपके 17 नवंबर को मनाया जाता है। सोशल मीडिया के संदर्भ में टैग, अभी आपने देख लिया ना किसी भी व्यक्ति या वस्तु को पहचाना, मान लीजिए आपने टैग लगा दिया उसके आगे तो वो उसी चीज से संबंधित सर्च को बार में बताएगा बार बार, जैसे हैशटैग आपने अपना नाम डाल दिया ना तो उसी नाम को जनरेट करके सर्च करके ये बताएगा बार बार। क्वेश्चन नंबर 19, अवतार क्या है, अवतार एक तरह का क्या है, ऑनलाइन प्रोफाइल है जिसमें आपका दृश्य प्रतिनिधित्व किया जाता है, ए विचार के बारे में आप जानते भी होंगे। मैसेंजर क्या है, एक इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन है, ध्यान रखेंगे इस चीज के बारे में, फेसबुक में आपको देखने को मिलता है। मीम क्या है, मीम आपका इंटरनेट पर वायरल होने वाली जो छवि और वीडियो होती है उसके हम कहते हैं मीम। वेबसाइट होस्टिंग क्या है, इंटरनेट पर वेबसाइट को स्टोर और प्रदर्शित करने की जो सेवा होती है वेबसाइट होस्टिंग होती है। URL क्या है, तो URL आपका यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर आपका क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, जो बेसिकली आपका किसका होता है, जो बेसिकली आपका वेबसाइट की संरचना होती है, डी आंसर आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, GIF क्या है, GIF जो है ग्राफिक यूजर इंटरफेस होता है, बेसिकली ध्यान रखेंगे ग्राफिक इंटरफेस फॉर्मेट होता है जो कि बेसिकली आपका छवि का फॉर्मेट होता है। आपने GIF भेजा भी होगा, देखा भी होगा मोबाइल में, आप GIF भेजते भी हो। 25 नंबर क्वेश्चन, OTT का फुल फॉर्म ओवर द टॉप होता है, जो एक वीडियो स्ट्रीमिंग सेवा कहलाती है, OTT पर मूवी रिलीज हुई है ऐसा सुनते हैं ना आप। गूगल की स्थापना, अगर गूगल की स्थापना आपसे पूछा जाए कि गूगल की स्थापना कब हुई थी, तो ध्यान रखेंगे 4 सितंबर 1998 को गूगल की स्थापना की गई थी। गूगल का मुख्यालय आपके कैलिफोर्निया USA में है, ठीक है।
गूगल के संस्थापक कौन है? गूगल के अगर संस्थापक के बारे में आपसे पूछे तो ध्यान रखेंगे सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज ने गूगल की स्थापना की थी। गूगल के वर्तमान सीईओ आपके कौन है? सुंदर पिचई। ध्यान रखेंगे ये आंसर हो जाएगा। गूगल के कौन से प्रमुख उत्पाद हैं, यानी गूगल किन किन में डील करता है? क्रोम में, गूगल प्लस में, जीमेल में, मैप्स में, गूगल मैप होता है ना, तो ध्यान रखेंगे बी आंसर बिल्कुल सही है। YouTube की स्थापना कब हुई थी? अगर YouTube की स्थापना आपसे पूछे तो YouTube की स्थापना आपके 2005 में हुई थी। कब? 2005 में, आपके 14 फरवरी 2005 को इसकी स्थापना हुई थी। YouTube का मुख्यालय कहां है? तो इसका भी मुख्यालय आपके कैलिफोर्निया में है, यूएसए है, कैलिफोर्निया में। YouTube के संस्थापक, अगर YouTube के संस्थापक की बात करें तो स्टीव चेन, चार्ड हर्ले और जावेद करीम ये इसके संस्थापक हैं। क्वेश्चन नंबर 34, इंस्टाग्राम की स्थापना कब हुई थी? तो इंस्टाग्राम की स्थापना आपके 2010 में हुई थी। ध्यान रखेंगे इंस्टाग्राम के संस्थापक के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो इंस्टाग्राम के जो संस्थापक है ना वो केविन स्ट्रॉम है और माइक क्रेगर ने इसकी स्थापना की थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आजकल देखते होंगे, इंस्टाग्राम में रील जो हम भेजते हैं ना उस रील की लिमिटेशन आपकी 90 सेकेंड। फेसबुक की स्थापना के बारे में अगर आपसे बात करी जाए तो 37 नंबर क्वेश्चन में फेसबुक की स्थापना जो हुआ था वो फरवरी 2004 में हुआ था। बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। फेसबुक की स्थापना मार्क जकरबर्ग, एडुआर्डो सेवरिन, क्रिस यूरो, ध्यान रखेंगे ये सब लोग जो है ना यूनिवर्सिटी के साथ में पढ़ने वाले छात्र थे जिन्होंने फेसबुक की रचना की थी। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई थी? अगर माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की बात करें तो 1975 आपका बिल्कुल सही जवाब, 4 अप्रैल। माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय जो है वो आपका यूएसए में है। और माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? अगर माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक की बात करी जाए तो बिल गेट और पॉल एलन जो है ना इसके संस्थापक हैं। लिंक्डइन एक व्यवसायिक है। लिंक्डइन की अगर स्थापना की बात करें तो 5 मई आपके 2003। बात करी जाए लिंक्डइन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, 43 नंबर का क्वेश्चन आपका है, जो रीड हाफमैन और एरिक ली के द्वारा क्या किया गया था, इस लिंक्डइन की स्थापना की गई थी। लिंक्डइन को 2016 में किस कंपनी ने खरीद लिया था? तो 2016 में माइक्रोसॉफ्ट में लिंक्डइन का पूर्ण रूप से इसको अधिकार में अपने ले लिया है। क्वेश्चन नंबर 45, लिंक्डइन किस प्रकार का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है? तो यह पेशेवर बिजनेस से डील करता है, ध्यान रखेंगे व्यवसायिक। विकिलीक्स की अगर मैं बात करूं 46 नंबर के क्वेश्चन में, तो विकिलीक्स की स्थापना जो हुई थी वो अक्टूबर 2006 में हुई थी। ध्यान रखेंगे ए आंसर आपका हो जाएगा। विकिलीक्स के संस्थापक कौन थे? विकिलीक्स के संस्थापक आपके जूलियन असांजे, बिल्कुल सही जवाब, बी आंसर। विकिलीक्स द्वारा लीक किए गए दस्तावेज किस प्रकार के होते हैं? तो किसी भी कंपनी के गोपनीय या किसी भी फॉर्म के, किसी भी सरकारी दस्तावेज, व्यक्तिगत ईमेल और सभी उपरोक्त, यानी कि तीनों आपके जो होंगे कॉन्फिडेंशियल डेटा को लीक करता है। विकिलीक्स ने सबसे पहले किस देश की सरकार के दस्तावेज लीक किए थे? तो वो आंसर आपका डी हो जाएगा, केन्या के। ट्विटर की स्थापना अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 50 में, तो ट्विटर की स्थापना आपके मार्च 2006 में हुआ था। चलिए ट्विटर की स्थापना किसने की थी? तो जैक डार्सी और ब्रिज स्टोन ने, ठीक ना, ध्यान रखेंगे। इसके बाद बात करी जाए ट्विटर का नया नाम क्या है, तो ट्विटर का नया नाम आपका एक्स है। चलिए अभी इसको ऑनर एंड इसको जो ओन करते हैं, मतलब इसमें जो स्वामित्व अधिकार है वो एलन मस्क का है। तो ये आज के आपके क्वेश्चन रहे सोशल मीडिया और कम्युनिकेशन से, जितने पॉसिबल क्वेश्चन हैं मैंने करा दिया है। इसी तरीके के और रैपिड फायर राउंड आपको मिलते रहेंगे, तब तक के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।